मैं हूँ योशु मायापुरी, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान कमबैक करने जा रहे हैं फिल्म पठान से। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब जाकर हुई है। वेल फाइनली शाहरुख खान ने इस फिल्म का फर्स्ट टीजर शेयर किया है। टीजर में हम देख सकते हैं कि जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण मिलकर शाहरुख खान के किरदार को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम शाहरुख खान को भी देख सकते हैं, लेकिन हम उनको एक ब्लर्ड वे में देख सकते हैं। टीजर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी। बता दें कि ये फिल्म 25 जनवरी 2023 में रिलीज होने जा रही है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। बॉलीवुड स्टार्स रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ऑल सेट है लव रंजन की अपकमिंग फिल्म के लिए कोलैबोरेट करने के लिए। वेल बता दें कि अब तक इस फिल्म का टाइटल कंफर्म नहीं हुआ है। अब तक ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि ये फिल्म ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2023 यानी कि अगले साल रिलीज होगा, लेकिन अब मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट जो है उसे चेंज कर दी है। अब बताया जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल मार्च के मंथ में रिलीज होगी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2019 में हो गई थी, लेकिन अब तक इस फिल्म का जो टाइटल है वो डिसाइड नहीं किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस फिल्म की शूटिंग ने भी काफी सफर किया। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने अपनी अपकमिंग फिल्म झुंड के लिए अपने प्रोड्यूसर संदीप सिंह को कहा कि वो उनके पे कट्स जो हैं वो कर दे डेफिनेटली, लेकिन इस पे कट को मूवी में यूज करे। बता दे कि अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और एक्टर इस फिल्म में एक फुटबॉल कोच का किरदार निभा रहे हैं जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को साथ में लेकर आते हैं और एक फुटबॉल टीम फॉर्म करते हैं। ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ और इवेंट्स पर बेस्ड है स्लम सॉकर फाउंडर विजय बारसे के ऊपर, जो नागपुर में स्ट्रीट चिल्ड्रन को फुटबॉल सिखाते थे। बता दें कि झुंड के प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने रिवील किया कि वो सिर्फ अमिताभ बच्चन जी को ही इस फुटबॉल कोच के रोल में देख सकते थे। ये फिल्म 4 मार्च को रिलीज होने जा रहा है बड़े पर्दे पर। आज है बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का जन्मदिन। बता दें कि टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन के खास मौके पर टाइगर श्रॉफ के बॉलीवुड फ्रेंड्स और फ्रेटर्निटी से कई सारे लोगों ने टाइगर को सोशल मीडिया पर विश किया। साथ ही उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने एक वीडियो शेयर की और साथ में लिखा, हैप्पीएस्ट बर्थडे माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ अस विद योर हार्ड वर्क एंड मोस्ट ब्यूटिफुल सोल, यू आर ब्यूटिफुल। और उन्होंने टाइगर श्रॉफ को इस पोस्ट में भी टैग किया। टाइगर और दिशा पाटनी के रूमर्स रिलेशनशिप के काफी टाइम से चल रहे हैं और रिसेंटली दोनों को मालदीव्स में वेकेशन मनाते हुए भी स्पॉट किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह इन दिनों मालदीव्स में वेकेशन मनाती हुई नजर आ रही हैं अपने बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी के साथ। उन्होंने अपना रिलेशनशिप लास्ट ईयर ही कंफर्म और ऑफिशियल कर दिया था। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक्चर शेयर की है जिसमें हम उनको ओशन के मिडल में पोज करते हुए देख सकते हैं और यहाँ वो पिंक बिकिनी में नजर आ रही हैं। रकुलप्रीत सिंह का ये जो पिक्चर है ये कैंडिड शॉट है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है और उनकी बॉडी काफ़ी फिट और टोन्ड लग रही है। ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुकी है। रकुलप्रीत सिंह के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो हमें अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी में नजर आने वाली हैं। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने रिसेंटली अपना लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो नाराजगी ड्रॉप किया जो सोशल मीडिया पर काफी अलग अलग व्यूज गार्नर कर रही है। वेल उनका एक ग्लिम्स जो है सॉन्ग का इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है और लिरिक्स में हम काफी अलग ट्यून सुन सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शंस पर नेटिजन्स इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं नजर आ रहे हैं नेहा के न्यू सॉन्ग को लेकर, जिसकी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने कॉमेंट किया, सच अ फोर्सफुल फेक इंग्लिश एक्सेंट, तो दूसरे यूजर ने लिखा, साउंड टू इरिटेटिंग, ऑटो ट्यून टू हाई, और दूसरे यूजर ने ये भी लिखा, यू कांट इवन सिंग वेल इन हिंदी एंड यू आर ट्राइंग एन इंग्लिश सॉन्ग, ट्राई टू बी टू आर लिपा।
महाशिवरात्रि के खास ओकेजन पर विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो फ्लोस पर जा चुकी है। इस फिल्म को हेल्म किया जा रहा है आनंद तिवारी द्वारा और प्रोड्यूस किया जा रहा है करण जौहर द्वारा। ये फर्स्ट फिल्म है जिसमें विकी और तृप्ति साथ में नजर आने वाले हैं टीम अप करते हुए। एक क्लोज सोर्स से पता चला है कि विकी और तृप्ति जो है शूट करेंगे मुंबई के स्टूडियो में एक पूरे महीने तक, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कुछ और नॉर्थ इंडिया के लोकेशंस में शूट करते हुए नजर आएंगे। उनका जो सेकेंड स्केड्यूल होगा उसमें एमी व्रिक भी इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करेंगे इस पूरे टीम को। एक्टर शिल्पा शेट्टी ने ट्यूसडे के दिन अनाउंस किया अपना नेक्स्ट फीचर फिल्म सुखे। बता दें कि ये फिल्म जो है इसे डायरेक्ट किया जा रहा है सोनल जोशी द्वारा और बैक किया जा रहा है टी सीरीज द्वारा। शिल्पा शेट्टी 46 इयर्स की हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कहा, थ्रिल टू अनाउंस माई नेक्स्ट इन एंड एज हैशटैग सुखी। बता दें कि शिल्पा शेट्टी का हम ये जो पोस्टर देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो बटवा टिफिन बेलन और भी मल्टीपल चीज़ों के साथ खड़ी हुई हैं और उनके दिमाग में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी हमें अपकमिंग फिल्म रोमांटिक कॉमेडी निकम्मा में भी नजर आएंगी को स्टारिंग शर्ली सेठिया और अभिमन्यु दिसानी। बॉलीवुड एक्टर और होस्ट मनीष पॉल करंटली काम करते हुए नजर आ रहे हैं वरुण धवन स्टारर जुग जुग जियो में और उनको कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा है ग्रो करने से। इनफैक्ट मनीष ने रिसेंटली अपने न्यू लग्जरी सेट के कलेक्शन में एक और लग्जरी कार खरीद लिया है। उन्होंने खरीदा मर्सिडीज बेंज GLS 400D जिसका कॉस्ट बताया जा रहा है 1.5 करोड़। इसी की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर आउट हो रही है जिसमें हम मनीष पॉल को अपने नए कार के साथ देख सकते हैं। इस कार के कई सारे डायनामिक फंक्शंस हैं। वहीं बता दे कि मनीष को हम जुग जुग जियो में देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार में। महाशिवरात्रि के खास ओकेजन पर प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनस ने अपने घर में एक पूजा रखी, जिसकी पिक्चर्स प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया इस पूजा के ग्लिम्स का। वेल, ये देखकर उनके इंडियन फैंस और उनके बाकी के फैंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रियंका को कि वो बाहर रहकर भी अपने इंडियन कल्चर से कनेक्टेड हैं और अपने इंडियन ग्राउंड्स को भूली नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पसंद किया जा रहा है और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिलहाल ही में निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने अपने फर्स्ट बेबी को वेलकम किया था सरोगेसी द्वारा। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।